मैंने उनसे कहा कि जाओ देख के आओ, तो हमने कहा हम भी चलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नवरात्रि चल रहे हैं हम ही जाएंगे। वो आपके दरबार में 29 तारीख को आए, उन्होंने सारी स्थिति देखी, फिर उनको विश्वास हुआ, लेकिन इतना पैसा नहीं था। हाँ बेटा, गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी हम आपके दरबार के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, एक सज्जन हमारे पति को बस में मिले हाँ। उन्होंने बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि जाओ देख के आओ, तो हमने कहा हम भी चलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नवरात्रि चल रहे हैं हम ही जाएंगे। वो आपके दरबार में 29 तारीख को आए, उन्होंने सारी स्थिति देखी, फिर उनको विश्वास हुआ, लेकिन इतना पैसा नहीं था जो हम बंडे करवा सकते, और नौ करने का समय नहीं था। तो इसीलिए बेटा क्या हुआ कि एक दिवसीय जो ये अनुष्ठान है उसकी उसकी जो सहयोग राशि ना वो 151 थी, उसको 251 करने का फैसला लिया गया था एक तारीख से। लेकिन तमाम भक्तों के दरबार के तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं दरबार से, तमाम शिष्य हैं दरबार के, मतलब दसियों हजार रिक्वेस्ट आ गई कि गुरुजी ये न बढ़ाया जाए, ये मीडिया के कारण जो सब करना पड़ा है वो तो मत बढ़ाया जाए। तो दरबार ने यही निर्णय लिया है कि अभी वो जो 151 था वो 151 ही रहेगा, अभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। माँ के माता के महापर्व के बाद, माँ का महापर्व होता है 22 जून को शुरू होता है, चलता है 26 जून तक, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा, तब तक अभी यही चलता रहेगा जो चल रहा है 151। फिर गुरु जी हमने ये निर्णय लिया कि हम कैसे भी करेंगे लेकिन हम करेंगे, तो एक घंटे के अंदर नहीं आधा घंटे के अंदर हमारी 1.5 लाख रुपए से ऊपर की व्यवस्था हो गई, और हमने आपके दरबार में कॉन्टेक्ट किया और रात में ही उन व्यवस्था करके ये निकल दियो, दूसरे दिन आपके यहाँ भवन का बोल गया। खुश हो बेटा। अब गुरु जी हमारे साथ समस्याएं बहुत सारी हैं, आप भी जानते हो, बाबा माता दोनों जानते हैं, और जब यहाँ आए हैं तो मुझे ये लग रहा है कि शायद मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई, और जैसी भी स्थिति होगी आगे हम आपसे संपर्क करेंगे। कहाँ रहते हैं बेटा? मैं मैनपुरी रहती हूँ। अच्छा, पास में। टीचर हूँ मैं। अच्छा, तो बस गुरु जी मेरे साथ एक समस्या बहुत ये है कि पितृदोष हो या जो भी हो, अब आपने उपाय किया है तो आगे पता लगेगा। बात ये गुरु जी मैंने हम बताएं। तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी, धन तुम्हारे यहाँ चाहे जितना आ जाए लेकिन रुकता बिल्कुल नहीं था जी, स्टोर नहीं होता था जी। यही पितर लोग खूब चालाकी करते थे। अब जो आएगा सदुपयोग होगा और संचित भी होगा जी, ठीक है जी। अब सब कुछ अच्छा रहेगा, ये तुम्हारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और असाध्य रोग सब अंदर बना रहे थे, बार बार अस्पताल चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, ये वाली सब समस्याएं बना के रखी थी। तो अभी आप सब एकदम अच्छे। बस बस,